हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं गोकुल नगरी कान्हा जी के दर्शन करने। फ्रेंड्स, ये माँ चंद्रावली का मंदिर है जो कि राधा रानी की सखी है और राधा रानी को ढूंढते ढूंढते बरसाना से गोकुल आई हुई थी और यहाँ पर उनका निवास हुआ था। फ्रेंड्स, ये है कदम का पेड़। यहाँ पर भगवान कृष्ण घंटों बैठकर बांसुरी बजाते थे, अपनी मधुर धुन से सभी को मोहित करते थे। तो आप लोग दर्शन करिए। ये फ्रेंड्स गोकुल नगरी, यहाँ पर लल्ला रहते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर भगवान कृष्ण पालने पर झूला झूल रहे हैं। यहाँ पर वीडियो शूट नहीं करना। और ये है पूतना और हमारे लल्ला लेटे हुए हैं साथ में। नहीं, एक बांधे दे रहे हैं, एक घर पे ले जाएंगे, कोई दिक्कत? फ्रेंड्स, ये है भगवान शिव जो कैलाश से गोकुल आए हुए थे लल्ला के दर्शन के लिए। और तब यशोदा मैया ने उनको दर्शन नहीं करने दिया था क्योंकि इनका भयंकर रूप देखकर, सर्प और दाढ़ी मूछ देखकर वो सोच रही थी लल्ला हमारा कहीं डर ना जाए, इसलिए उन्होंने दर्शन नहीं दिया। तो भगवान शिव ने यही जगह बैठकर 3 दिन तपस्या की थी। फ्रेंड्स, ये है हमारे कन्हैया जी का घर जो हमारे कृष्णा जी यहाँ पर 11 साल 49 दिन बिताए हुए थे और अपने ग्वाल बाल के साथ में इन्हीं गलियों में घूमे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ पर जो सुकून मिलने वाला है वो दुनिया के कोई भी कोने में नहीं मिलेगा।